हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नेहा तिवारी। आज हम गोलमैन के सांवेगिक क्षमताओं के सेट के बारे में पढ़ेंगे। गोलमैन ने सांवेगिक क्षमताओं के सेट चार प्रकार के बताए हैं, जिसमें पहला आता है आत्म अवगतता। आत्म अवगतता का मतलब होता है, आत्म मतलब होता है स्वयं, अवगतता मतलब होता है जानना, मतलब स्वयं को जानना, स्वयं की क्षमताओं को जानना, यह आत्म अवगतता के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है आत्म प्रबंधन। आत्म प्रबंधन के अंतर्गत आता है स्वयं को मैनेज करना, आत्म मतलब स्वयं, प्रबंधन मतलब मैनेज करना, स्वयं की प्रेरणा, स्वयं की क्षमता, इन सभी को मैनेज करना आत्म प्रबंधन के अंतर्गत आता है। थर्ड है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना के अंतर्गत समाज के बारे में जानना होता है, समाज की जो क्षमता होती है, समाज में जो लोग होते हैं, समाज में जो व्यक्ति होते हैं, उनकी क्षमता, उनकी व्यक्तिगत सोच को जानना, यह सामाजिक चेतना के अंतर्गत आता है। और फोर्थ है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल के अंतर्गत आता है व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति। जो हम व्यक्तिगत लक्ष्य, जैसे हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य हैं सीटेट क्वालिफाइड करना, एमपीटेट क्वालिफाइड करना, या फिर सीजी टेट क्वालिफाइड करना, केवीएस क्वालिफाइड करना, यह हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य हैं, तो यह इसके अंतर्गत आते हैं। पहला क्या हो गया? पहला हुआ आत्म अवगतता, दूसरा हुआ आत्म प्रबंधन, तीसरा हुआ सामाजिक चेतना, और चौथा हुआ सामाजिक कौशल। ये गोलमैन के सांवेगिक क्षमताओं के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।